सोमवार को संसद के बजट सत्र से पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में ही बजट सत्र के संचालन का ट्रेलर दिखा दिया गया। तो जहां एक तरफ विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद, नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा रूट पर और जैसे नेम प्लेट जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने वाला, वहीं सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। जहां तक बजट सत्र की बात है, रिपोर्ट देखिए। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में ही इस बात का अंदाजा लग गया कि संसद का सत्र कैसा रहने वाला है। सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक में सभी विपक्षी दलों ने नीट के मुद्दे पर चर्चा करवाने और शिक्षा मंत्री के जवाब देने की मांग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले को भी बैठक में उठाया। विपक्ष के मुद्दों की बात करें तो विपक्ष इस बार संसद सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा में पहचान का विवाद, रेल हादसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को मुद्दा बना सकता है। मतलब साफ है कि संसद के बजट सत्र में इस बार भी धमाकेदार सियासी बारिश होने वाली है, क्योंकि तमाम मुद्दों के साथ सर्वदलीय बैठक में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के नाम लिखने का फैसला मीटिंग में छाया रहा। के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चूंकि पराजित हो चुकी है, इसलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये डीबी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, मुसलमानों को परेशान करने की भी साजिश है। इस सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ, क्योंकि 21 जुलाई को टीएमसी के सभी नेता बंगाल में हर साल आयोजित होने वाले शहीदी दिवस में हिस्सा ले रहे थे, जो 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग में हुई 13 युवाओं की मौत की याद में मनाया जाता है। इस शहीदी दिवस में शामिल होने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि संसद का बजट सत्र कैसा रहने वाला है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं, इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। दरअसल सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरकार ने विपक्ष से बिना किसी हंगामे के सदन चलने देने की अपील की। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं, और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट, आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे, तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था, उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल तो सोमवार से शुरू हो रहा सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र में विपक्ष के पास नीट पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो एनडीए सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, और सरकार ने भी इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं रीवा में दो